जश्न की रात है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया, आपको पता है दिवाली शुरू हो गई है, तो एक मज़ा आ रहा है कि अभी दिवाली की एक छोटी सी गेट टुगेदर रख ली और कुछ 2017 में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो मज़ा आएगा, नए नए बम फोड़ेंगे और उस बम की आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी, तो वो अच्छा है, एक मज़ेदार चीज़ है। सोचा था अपने कुछ खास लोग हैं, कुछ बिग बॉस के दोस्त हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, तो अभी सब आना शुरू होंगे बॉम्बे का। आपको पता है 10:30 के आसपास ही सब शुरू होता है, यू नो द सिटी इज़ लाइक यू नो वेरी हैपनिंग, बॉम्बे इज़ वेरी हैपनिंग, तो अभी सब आने शुरू होंगे, आप सबसे मिलेंगे और एक दिवाली का जश्न हो जाएगा। कल मैं निकल जाऊँगा घर, दीपावली मनाऊँगा अपने मॉम और डैड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो उनका आशीर्वाद लूँगा। तो उससे पहले सोचा कि बॉम्बे के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फिल्मी लोग हैं, एक छोटी सी गेट टुगेदर रख लेते हैं, तो बस दैट्स इट, ये फिल्मी पार्टी जो है, एक दिवाली पार्टी प्लान कर ली। अच्छे है, बिग बॉस का मेरा एक बड़ा प्यारा भोजपुरी का सुपरस्टार है निरहुआ, वो अभी उसका मैसेज आया, ऑन द वे आ रहा है, विंदु इज कमिंग, विंदु दारा सिंह, सोनाली आ रही है, सोनाली राउत, और भी है काफ़ी लोग हैं, राजीव पॉल है, तो सब हैं, जो जो लोग कनेक्ट हो जाते हैं बिग बॉस के वो सब आते रहेंगे, एक मज़ेदार चीज़ होगी, मज़ा आएगा, इट्स अ फन। नॉर्मली यू नो हम ये नहीं चाहते थे कि बहुत मीडिया कवर करे या कुछ हो, बट आप लोगों का प्यार है कि आप लोग चले आते हैं कवर करने, है ना, हमें हमारी कोई चीज़ खुली नहीं रह सकती कवर में नहीं रह सकती, आप कवर कर देते हैं उसको कायदे से, तो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। एक हमारी बहुत खास है केली सिंह आई हुई है, पंजाब की बहुत बड़ी सिंगर है, नेक्स्ट वीक उनका बहुत बड़ा एल्बम यहाँ पे बॉम्बे में लॉन्च होने वाला है, मैं चाहता हूँ उनका भी जो है एक छोटा सा इंटरव्यू करें, और वो बिल्कुल सामने मुझे दिख रही हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर फ्रॉम पंजाब, केली सिंह। केली, ये नया टैलेंट है पंजाब से, केली सिंह नाम है इनका, और अब बहुत जल्द आप इनको टेलीविजन स्क्रीन पे, ऑनलाइन, यूट्यूब, हर जगह जो है छाने वाली हैं, हॉटनेस की दुकान की। एक्चुअली ये तो बड़े भाई ने रखी है सरप्राइज पार्टी, एंड इट वाज जस्ट अनयूजुअल, पता नहीं था मुझे, इट्स अ सरप्राइज, अच्छा लग रहा है मुझे, ही कीप्स ऑन सरप्राइजिंग अस एवरी टाइम। बहन है, शी इज अ डार्लिंग, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, और मैं चाहता हूँ आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको सपोर्ट करें, इनका म्यूजिक एल्बम जो है वो सुपर हिट कराएं, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है, सिंगर वो है मिलिंद, मिलिंद गाबा ने म्यूजिक दिया है इसका, या और मैंने गाया है, एंड परफॉर्म भी किया है इन्होंने उसमें, या गाया भी है, परफॉर्म भी किया है, तो बस जो है वो मतलब घड़ियाँ आने वाली हैं, आप लोग थोड़ा सा संभाल के रखें, दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे ये जब आएंगे। हम मिस करते हैं यार, सारे बिग बॉस वालों का फ़ोन आ रहा था कि क्या चल रहा है, कहाँ हो, ऐसा वैसा, तो क्या है वो एक सीज़न है, हम लोग ने साथ में किया, और वो सीज़न जब दोबारा आ जाता है ना, तो थोड़ा सा एक अटैचमेंट है ना यार बिग बॉस, आप समझ सकते हैं, एक लंबा समय गुजारा है वहाँ पर, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, इमाम का चेहरा सामने आता है इमाम सलमान भाई, तो यार उनको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो तो भाई हैं, तो उनकी जब याद आती तो हम सीधा घर चले जाते उनसे मिलने, गैलेक्सी अपार्टमेंट में, वैसा तो बढ़िया है, दुआएं दें आप लोग, बस बेस्ट विशेष चाहिए, 2017 में जो है वो एक धमाका करेंगे, और अभी बाकी लोग भी हमारे आने वाले हैं, जो मेहमान आ रहे हैं आप उनको कवर करें, हमको थोड़ा सा बख्श दें, जय हो एंड हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल। रनिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के पास जितना मैं बढ़ के जाता हूँ वो आगे रन कर जाता है, तो वो रनिंग प्रोजेक्ट आजकल थोड़ा मुझसे भाग रहे हैं, बट जब वो आएंगे सामने तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता चलेगा और पूरा विश्व देखेगा उसको, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, बेस्ट विशेज दें, दुआओं में याद रखें, लव यू, थैंक यू सो मच। एक मिनट खड़े हो साथ में, साथ संदीप कुमार, संदीप आज संतोष जी की पार्टी में पहुंचे हैं, दिवाली सरप्राइज पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस अच्छा लगा, उन्होंने पार्टी रखी है, मोस्टली लोग बिजी रहते हैं अपने फैमिलीज में, तो फ्रेंड्स के लिए कोई टाइम निकाल नहीं पाता ऐसे समय में, तो उन्होंने अच्छा प्लान किया कि सारे फ्रेंड्स दिवाली में आएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, विश करेंगे, और फिर अपनी अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो जाएंगे दिवाली मनाने के लिए। आज कुछ फिल्म का प्लान कर रहे हैं आप, क्या है वो मूवी? अभी देखिए बेसिकली आज तो संतोष जी की दिवाली पार्टी है, हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं, संतोष जी उसमें हमारे साथ हैं, और बाकी उसकी एक अनाउंसमेंट हम लोग बाद में करेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट, वो एक अच्छी फिल्म है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, इंडो पाक के ऊपर ही है, बट अभी ज़्यादा उसके बारे में रिवील करने का टाइम अभी आया नहीं है। संतोष जी बहुत ही डाउन टू अर्थ
जी जी डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और बेसिकली बड़े कलाकार के साथ साथ अच्छे इंसान होना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो डेफिनेटली है संतोष जी में बात, और भाई जैसे हैं, बड़ा प्यार करते हैं, हम भी बड़ा प्यार करते हैं उनको। अब देखिए आप हो, आप लोग भी साथ में ही, आप लोग भी धमाल में हिस्सा बताओ, ताकि अच्छा धमाल हो, अच्छी पार्टी हो, और दिवाली का धमाका है तो अच्छे से स्टार्ट हो। वो बैग किसका है ना, बैग उठा लीजिए। Thank you.